बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड बनाना हम सीखते हैं, जिसमें आप देखते हो 1 2 3 4 5 पांच इसमें स्विच है, एक सॉकेट है, एक पंखे का रेगुलेटर और एक इंडिकेटर है। इसके प्रॉपर तरीके से हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास स्विचें रहती हैं, सारी स्विचों को हम एक वायर से शॉर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर डालेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से हम जोड़ देते हैं, एक यहाँ एक ये, और ये। तो ये देखिए, हमने चारों बटनों को हमने अब इससे शॉर्ट कर दिया है, यानी करंट हम यहाँ देंगे, इस लाइन पर देंगे, तो चारों को हमारे करंट प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो जाएगा, तरीके से हम कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फेज देने की ज़रूरत एक इस स्विच में है और एक इंडिकेटर में है। तो हम यहीं से हम क्या करेंगे, एक और लाइन लगाएंगे इसको शॉर्ट करने के लिए, लंबी ना करके ये किए, एक यहाँ पर प्रॉपर लगाने के बाद इसके नीचे वाले स्विच के नीचे वाले भाग में हम इस लाइन को लगा देंगे। तो ये हमारा इस स्विच के लिए भी फेस यहाँ तक आ चुका है। यहाँ पे हमने कटी हुई लाइन इसलिए नहीं लगाई है, कहीं पी बॉडी ये शॉर्ट ना हो जाए मीटर फेस से। आगे के लिए इंडिकेटर को फेस देना है, तो हम यहीं से इसको भी हम शॉर्ट दोनों को बराबर प्रॉपर कर लेंगे। और ये ओके, तो हम प्रॉपर तरीके से कर देंगे ये हमारे सारी बटनों में। उसके बाद हमारा इस वाली इंडिकेटर भी को फेस चला जाएगा। इसके दो बटन को ओपन कर लेंगे, ये ओपन हो गया, और इसके बाद ये करने के बाद हम इसको कर देंगे। तो इस टाइप से हमने देखते हैं, हमने क्या देखा कि यहाँ से हमने फेस इन किया है, इस बटन को फेस मिला, इसको मिला, इसको, इसको, इस बटन को, और यहाँ से फेस निकल के हमारे इंडिकेटर को। तो यहाँ तक हमारे जो फेस के कनेक्शन है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ये पंखे का हमारा रेगुलेटर होता है, तो सबसे पहले हम इस रेगुलेटर को इसके थ्रू, इस स्विच के थ्रू चलाएंगे। तो जो पंखे का एक वायर है उसको हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे, ये पंखे का हमने ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद एक जो ये बचता है ये हमारे पंखे के लिए फेस चला जाएगा। अब यहाँ दूसरा देखते हैं कि हमारे पास एक सॉकेट है जिसमें हमारा न्यूट्रल जाएगा। तो हमारे पास एक फेस और एक न्यूट्रल के लिए लाइन है, तो हम यहाँ पे एक न्यूट्रल लगा देंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे फेस को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा यहाँ तक कनेक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना है, तो हम सॉकेट को कनेक्शन दे देंगे। यहाँ से हमने एक वायर लगाई और वायर लगाने के बाद हमने दूसरी वायर इसमें जाके फिट कर दी। तो ये हमारे सॉकेट को कनेक्शन जा चुका है। अब इससे हम बल्ब को जलाएंगे, तो एक तार लेके हम यहाँ पे वायर लेके और इसको हम यहाँ प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं। तो ये हमारा एक बल्ब के लिए चला गया, इससे भी हम एक और बल्ब जलाएंगे, तो उसके लिए भी हमारा कनेक्शन ये चला गया। तो ये दो बल्बों के लिए कनेक्शन चला जाता है, और तीसरा भी हम यहाँ से चलाएंगे तो हमारा ये तीसरा, कोई भी प्रोडक्ट हमको यहाँ से चलाना तो हमारा ये तीसरा भी इसके लिए चला जाएगा। तो ये हमने फेस कर दिए। अब इनके लिए हमको न्यूट्रल चाहिए है, तो हम जितने भी हमारे पास ये प्रोडक्ट लगे हुए हैं, जैसे कि तीन बल्बों के लिए हमने दिए हुए हैं, इनके लिए हम यहाँ से तीन न्यूट्रल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, तीन न्यूट्रल, तो हमारा चीज़ें प्रॉपर तरीके से ग्लो हो जाने लगेंगी। इंडिकेटर को हमने सारी चीज़ें दे दिए, इंडिकेटर को इसके बाद हम यहाँ न्यूट्रल देंगे, तो हम यहाँ इंडिकेटर को न्यूट्रल दे देते। तो न्यूट्रल कहाँ से, यहाँ से हमने एक न्यूट्रल के लिए वायर बाईपास कर देंगे। ये हो गई हमारी न्यूट्रल की वायर, और ये वायर जाके कहाँ हमारा इंडिकेटर के लिए, ये हमारा न्यूट्रल प्रॉपर जा चुका है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल चला गया, ये हो गया, और ये न्यूट्रल हमारा यहाँ से इस टाइप से ये न्यूट्रल हो गया। अगर हम इसको चालू करते हैं,
ऑन करके देख लेते हैं कि ये हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है। देख रहे हैं आप, ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो चुका है। फ्लैम मीटर से अपन सारे करेक्शन को चेक कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रल रखें, ये न्यूट्रल के बाद अपन ने ये रखते न्यूट्रल रखते हैं प्रॉपर तरीके से, ये न्यूट्रल आया और न्यूट्रल से ये करते तो ये हमारा ग्लो हो रहा है, तो प्रॉपर काम कर रहा है। इसके बाद इस वायर को रखे तो ये ग्लो हो रहा, यहाँ से रखते तो ये ग्लो हो रहा। इसको हम बंद अगर ऑन बंद ऑफ कर देंगे इन बटनों को, तो ये देखिए हमारा कोई भी काम नहीं करेगा, यानी ये क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। जब हम बटनों को ऑन करेंगे, ये ऑन कर दिए हैं, तो इस टाइप से हमारा ये प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट होती है।